मानपुर का सरपंच हरीश लाठिया, हमारी मांग ये है कि जब हमको जिला बना, हमारा बने हुए एक साल हो गया, हमको अभी तक हमारे मानपुर को कोई सौगात नहीं मिला है। और हम चाहते हैं कि पहला हमारा एक मांग है जिला चिकित्सालय का, और दूसरा मांग है परिवहन का, तीसरा रोजगार कार्यालय का, चौथा डीएफओ कार्यालय का। ऐसे मांग हम बहुत से रखे हैं। इस मांग को समर्थन देने के लिए हमारे गांव के पूरे लोग और मानपुर ब्लॉक के 140 गांव के लोग यहां पे आए हुए हैं, और वो सब उनका समर्थन हमको मिल रहा है, और हम जीतेंगे और लड़ेंगे, और हमारी मांग को हम करते रहेंगे जब तक कि हमको इस मांग का सफलता नहीं मिलने पर भी हम नहीं मिलते तक हम अभी तक हम आंदोलन करते रहेंगे। ये हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब जिला बना मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, तो इन मांगों के लेकर इधर क्या कल्पना की गई थी आपके द्वारा? हम जब जिला बना तो हमको बहुत बड़ी सौगात मिलने का हमको एक भरोसा था। हमारे विधायक महोदय और हमारे कलेक्टर साहब ने हमें भरोसा दिया था कि मोहला मानपुर चौकी जब जिला बना तो हम एक भाई बंटवारे के हिसाब से जो कार्यालय हमको मिलना था वो नहीं मिला। और अभी मोहला में जिला हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया गया, जिसमें हमारे मानपुर ब्लॉक के लोग आकर्षित हो गए और ये धरना और प्रदर्शन और चक्का जाम जारी किया गया। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होंगे तो आप जिला मानपुर वासियों लोग क्या करेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी न हो तब तक। धन्यवाद। मानपुर का सरपंच हरीश लाठिया, हमारी मांग ये है कि जब हमको जिला बना, हमारा बने हुए एक साल हो गया, हमको अभी तक हमारे मानपुर को कोई सौगात नहीं मिला है, और हम चाहते हैं कि पहला हमारा एक मांग है जिला चिकित्सालय का, और दूसरा मांग है परिवहन का, तीसरा रोजगार कार्यालय का, चौथा डीएफओ कार्यालय का। ऐसे मांग हम बहुत से रखे हैं। इस मांग को समर्थन देने के लिए हमारे गांव के पूरे लोग और मानपुर ब्लॉक के 140 गांव के लोग यहां पे आए हुए हैं, और वो सब उनका समर्थन हमको मिल रहा है, और हम जीतेंगे और लड़ेंगे, और हमारी मांग को हम करते रहेंगे जब तक कि हमको इस मांग का सफलता नहीं मिलने पर भी हम नहीं मिलते तक हम अभी तक हम